नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे 175 प्रतिष्ठित अतिथि। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। 175 प्रतिष्ठित अतिथियों में से 135 संत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान, शायद कभी नहीं मिल सके रामबाण इलाज, लड़नी होगी लंबी लड़ाई। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के दावे को किया खारिज। 25 फरवरी को नहीं की थी जान के खतरे की शिकायत। पिता के सिंह ने कहा था कि बांद्रा पुलिस थाने में की थी लिखित शिकायत। पंजाब में 100 से अधिक लोगों की जान ले चुकी जहरीली शराब त्रासदी के सिलसिले में पुलिस ने 2 उद्योगपतियों सहित 12 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरदासपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता सनी देओल ने की निष्पक्ष जांच की मांग। व्यापारियों के संगठन कैट ने की बीसीसीआई की आलोचना। आईपीएल में चीनी कंपनी वीवो को टाइटल प्रायोजक बरकरार रखने का किया है फैसला। दुबई में होगा आईपीएल का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को दी चेतावनी। 15 सितंबर तक किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचा तो लगा देंगे बैन। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कर सकती है अधिग्रहण। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया कोरोना से संक्रमित। सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। अस्पताल में भर्ती संपर्क में लोगों से की जांच की अपील। भारी बारिश में पानी पानी हुई मुंबई। दफ्तर किए गए बंद, अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भराया। दिल्ली के रेस्टोरेंट में सांभर में निकली छिपकली, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। रेस्टोरेंट के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। अमेजॉन के रक्षाबंधन वाले तोहफे पर गोद लेने संबंधी स्लोगन की आलोचना। सोशल मीडिया पर लोगों ने साधा निशाना। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।